The example: express vector express the vector a bar is equal to 5 I cap minus 2 j cap plus 5 k cap as sum of two vectors as sum of two vectors such that one is parallel to the vector b bar is 3 I cap plus k cap and other is perpendicular. Here we want to find the two vectors, which is sum of the two vectors. It is a bar as a sum of two vectors. One vector is a parallel to the vector b bar and other is a perpendicular to the vector b bar. Now here the given vectors, a bar, it is 5 I cap minus 2 j cap plus 5 k cap and b bar, it is 3 I cap plus k cap. Okay, are the given vectors. Okay, here express the vector a bar as a sum of the two vectors. Okay, let these two vectors are a1 and a2. Let we consider it is a bar is equal to a1 bar plus a2 bar. Okay, express the vector as a sum of the two vectors. Okay, a1 and a2, one of which is parallel to b bar and other is a perpendicular to the b bar. Okay, let a1 is a parallel to b bar and a2 is perpendicular to the b bar. Here one is a parallel and one is a perpendicular. Okay, now a1 and b bar are parallel. Okay, that is a1 is a scalar multiple with b bar. A1 is a scalar multiple with b bar. Lambda is a scalar. Okay. Lambda is a non-zero scalar. Therefore, a1 is equal to lambda into b bar. B bar it is a given, that is 3 I cap plus k cap, and therefore it is vector a1, it is a 3 lambda I cap plus lambda k cap. It is a vector a1, 3 lambda I cap plus lambda k cap. Now we have to find the vector a2, and it is vector a2 is equal to it is vector a bar minus a1 bar. Vector a2 is equal to a bar minus a1 bar. And now a bar, it is a bar 5 I cap minus 2 j cap plus 5 k cap minus a1, it is a 3 lambda I cap plus lambda k cap. And therefore a2 is equal to 5 I minus 3 lambda, it is 5 minus 3 lambda I cap minus 2 j cap, and again it is plus 5 minus lambda k cap. And here
ए टू परपेंडिकुलर टू द बी वन, इट इज अ वेक्टर ए टू एंड इट इज अ बी. ओके, ए टू परपेंडिकुलर टू द बी, हियर इट इज ए टू परपेंडिकुलर टू द बी, दैट इज देयर डॉट प्रोडक्ट ए टू बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू एंड इट इज अ बी, देयरफॉर वी कैन राइट हियर डॉट प्रोडक्ट. टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आई आई जे जे एंड के के, देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए टू डॉट बी कंपोनेंट ऑफ आई, इट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ आई, इट इज 5 माइनस 3 लैम्डा, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ आई ऑफ वेक्टर ए टू, कोएफिशिएंट ऑफ आई आई वेक्टर बी इट इज 3, देन प्लस माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. हियर कंपोनेंट ऑफ आई आई जे हेयर माइनस 2 हेयर जे 0 के 5 माइनस लैम्डा एंड हेयर के इज 1. ओके, नाउ टेक द कैलकुलेशन 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 0 प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज अ 20 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 20 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 20 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2. हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन फाइंड द वेक्टर ए, देयरफॉर द वेक्टर ए वन इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा के कैप एंड दैट इज 6 आई कैप प्लस 2 के कैप, इट इज अ वेक्टर ए ए वन. ओके, एंड ए टू इज इक्वल टू, इट इज ए टू. ओके, ए वन माइनस ए टू करा किंवा इट इज पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ए टू इट इज 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 5 माइनस लैम्डा के कैप. हियर लैम्डा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज 6, 5 माइनस 6 इट इज माइनस आई कैप, 5 माइनस 6 माइनस 2 जे कैप एंड हियर लैम्डा इज इक्वल टू 2, इट इज प्लस 3 के कैप, इट इज अ वेक्टर ए टू. ओके, इट इज ए वन एंड इट इज ए टू, देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू. ओके, हियर वी टेक ए वन प्लस ए टू, हियर वी प्रूव दिस, ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप एंड देन इट इज 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 5 के कैप एंड इट इज ए बार, देन ए वन प्लस ए टू, इट इज ए बार, दैट इज ए बार इज सम ऑफ द टू वेक्टर्स एंड दैट टू वेक्टर्स आर द ए वन एंड ए टू, देयरफॉर इट इज ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू ए बार, इट इज अ प्रूफ. ओके, सी केयरफुली, एक्सप्रेस द वेक्टर ए बार एज सम ऑफ द टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर ए वन एंड ए टू, ए वन प्लस ए टू इट इज अ ए बार. नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी केयरफुली, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स
ईच ऑफ विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ U bar, V bar and W bar, where U bar is equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap. V bar i cap plus 2j cap minus 2k cap and W bar is equal to 2i cap minus 2j cap plus k cap. Okay, here we want to find a unit vector which makes equal angles with vector u bar, v bar and w bar. Okay, let the vector is a bar. A bar makes equal angle with u bar, v bar and w bar. That means angle between a bar and u bar, angle between a bar and v bar, and angle between a bar and w bar is same. Okay, here first we write the given vectors. Given it is u bar 2i cap plus j cap minus 2k cap, v bar I cap plus 2j cap minus 2k cap and W bar 2i cap minus 2j cap plus k cap. Okay, here we find the angle between vectors. So here we want to magnitude of vector. We write the magnitude. Magnitude of u bar is equal to under root of 2 square plus 1 square plus minus 2 square, and it is 3. Okay, 4 plus 1 plus 4. Therefore, magnitude of phi bar, it is under root of 1 square plus 2 square plus 2 square. Again, it is 3. And also magnitude of W bar, 2 square plus minus 2 square and plus 1 square. Again, it is 3. Okay. Here, we observe the magnitude of all three vectors is same. Okay. Magnitude of u bar, v bar and w bar. Okay, here this magnitude we use the finding the angle between two vectors. Okay, now let a bar is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap is a unit vector okay, therefore magnitude of a bar is equal to 1, magnitude of a bar is equal to 1 and it is under root of x square plus y square plus z square is equal to 1, x square plus y square plus z square is equal to 1, that is x square plus y square plus z square is equal to 1. Okay, suppose it is equation number 1. Now here this can be written from the given. Okay. Here also given that the angle between a bar and u bar, a bar and v bar, a bar and w bar is same. Let theta be angle between a bar and u bar, a bar and v bar, a bar and w bar. Therefore we can write cos theta is equal to a bar dot u bar upon magnitude of a bar into magnitude of u bar. Okay, see carefully, a bar dot phi bar upon magnitude of a bar into magnitude of phi bar is equal to a bar dot w bar upon magnitude of a bar into magnitude of w bar. Okay, angle between these three condition, it is the same. Angle between a bar and u bar, it is theta. Angle between a bar and v bar, it is theta. Angle between a bar and w bar, it is theta. And we observe that the magnitude of
यू बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू बार. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स इट इज अ 3 3 3 आर द सेम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इट इज अ यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू डब्ल्यू. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू आर सेम एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए बार डॉट यू बार इज इक्वल टू ए बार डॉट फी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट डब्ल्यू बार. ओके, बिकॉज दिस थ्री वैल्यूज आर सेम. ओके, सो यू कैन राइट ए बार डॉट यू बार इज इक्वल टू ए बार डॉट वी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट डब्ल्यू बार. ओके, नाउ ए बार डॉट यू बार ए बार डॉट वी बार एंड ए बार डॉट डब्ल्यू बार हियर वी गेट द थ्री इक्वेलिटी. ओके, हियर वी कंसिडर फर्स्ट टू ए बार डॉट यू बार इज इक्वल टू ए बार डॉट वी बार एंड देन अनदर टू कंडीशंस ए बार डॉट इज इक्वल टू ए बार डॉट यू बार इक्वल टू ए बार डॉट डब्ल्यू बार और ए बार डॉट फी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट डब्ल्यू बार. ओके, एनी टू. ओके, नाउ हियर ए बार डॉट यू बार इज इक्वल टू ए बार डॉट फी बार. नाउ ए बार डॉट यू बार इट इज ए बार एंड इट इज यू बार टेक अ डॉट प्रोडक्ट ए बार एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस झेड के कैप. ओके, डॉट u बार 2i कैप प्लस j कैप एंड माइनस 2k कैप इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट फी बार 1 2 माइनस 2 i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप. नाउ टेक द डॉट प्रोडक्ट इट इज 2x प्लस y माइनस 2z. ओके, सी केयरफुल x इंटू 2 y इंटू 1 एंड z इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू इट इज x प्लस 2y x प्लस 2y एंड माइनस 2z. ओके, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट देन माइनस 2z गेट कैंसल हियर 2x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 2y एंड देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू y द कंडीशन इट इज x इज इक्वल टू y x इज माइनस गया एंड y इकड़ा लो माइनस वी गेट द फर्स्ट कंडीशन दैट इज द x इज इक्वल टू y हियर वी टेक हियर a बार डॉट u बार इज इक्वल टू a बार डॉट v बार दिस टू. ओके, नाउ वी कंसीडर दिस कंडीशन एंड a बार डॉट v बार इज इक्वल टू a बार डॉट w बार हियर a बार डॉट v बार a बार इट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट v बार इट इज v बार i कैप प्लस 2 j कैप प्लस सॉरी इट इज माइनस 2 k कैप इज इक्वल टू a बार डॉट w बार x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट इट इज w 2i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप. ओके, हियर इट इज w 2 माइनस 2 2 माइनस 2 एंड इट इज 1. नाउ टेक द डॉट प्रोडक्ट अगेन इट इज x प्लस 2i माइनस 2 z x प्लस 2i एंड इट इज माइनस 2 z इज इक्वल टू 2x माइनस 2i प्लस z 2x माइनस 2y एंड प्लस z. ओके, हियर नाउ वी गेट x इक्वल टू y. ओके, x इक्वल टू y देयरफॉर वी गेट x प्लस 2x माइनस 2z इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस z बिकॉज इट इज x इज इक्वल टू y. ओके, देयरफॉर वी गेट 3x माइनस 2z इज इक्वल टू z. ओके, देन देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 3z एंड देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू z. हियर वी हैव ऑलरेडी गेट x इक्वल टू y एंड हियर x इज इक्वल टू z देयरफॉर वी कैन राइट
x equal to y equal to z, both are equal. Our vector is a bar is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. Xi cap plus yj cap plus zk cap. Now we find the value of x, y and z by equation 1. By 1, x square plus y square plus z square is equal to 1. Therefore, x square plus x square plus x square is equal to 1. Therefore, 3x square is equal to 1. And then, x square is equal to 1 by 3. That is, x is equal to plus or minus 1 by under root 3. And therefore, x is equal to y equal to z is equal to plus or minus 1 by under root 3. It is the value of x, y, z. And therefore, the vector a bar is equal to plus or minus 1 by under root 3 I cap plus or minus 1 by under root 3 j cap plus or minus under root 3 k cap. And therefore, our required vector is a bar is equal to plus or minus 1 by under root 3 I cap plus j cap and plus k cap. Okay, this vector makes equal angle with the vector u bar, phi bar and w bar. Okay, here see carefully this. Okay, now we see the next example. Let B bar is equal to 4 I cap plus 3 J cap and C bar be two vectors perpendicular to each other. Perpendicular to each other. In XY plane. Find the vectors in the same plane having projection one and two along B bar and C bar respectively. Now here B bar and C bar are two perpendicular vectors in xy plane. The vectors are in the xy plane, therefore z coordinate is 0. Here the z coordinate of b bar is 0 and z coordinate of c bar is also 0. Find the two vectors in the same plane. Find the two vectors in the same plane whose projection along b bar it is a 1 and along c bar it is a 2. Okay, and vector in the same plane, that means in the xy plane, therefore again the z coordinate is 0 of the required vector. Okay, now given that
बी बार इज इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड लेट सी बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन एक्स वाई प्लेन. ओके, दैट इज जेड कोऑर्डिनेट इज जीरो. ओके, दैट इज द जेड कोऑर्डिनेट इज जीरो. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. हियर गिवन दैट बी बार परपेंडिकुलर टू सी बार, देयरफॉर b bar dot c bar is equal to 0, then b bar dot c bar 4 i cap plus 3 j cap into x i cap plus y j cap is equal to 0. Okay. Then 4 x plus 3 y is equal to 0. Here, it is a 4x plus 3y equal to 0. That is, 4x is equal to minus 3y. 4x is equal to minus 3y. And therefore, we can write x by y is equal to x by y. It is minus 3 by 4. Okay. It is a ratio, not a exactly value. Okay. X by y is equal to 3 by 4. X by y. It is a ratio 3 by 4. Okay. Here, therefore, we can write x is equal to 3 lambda and y is equal to minus 4 lambda, where lambda is non-zero scalar. Non-zero scalar. Because it is a ratio, it is not exactly value of x and y. Therefore, x is equal to 3 lambda and y is equal to minus 4 lambda. Therefore, we get c bar is equal to 3 lambda I cap minus 4 lambda j cap. Okay. It is a c bar. X I cap plus y j cap. Now, we have to find the vector whose projection along b bar and c bar. It is 1 and 2. Projection it is 1 and 2. Projection is given. But vector, the required vector also lie in the same plane, that is the lie in the xy plane. Xy plane means again z coordinate is 0. Let a bar is equal to p I cap plus q j cap. Okay, z coordinate is 0. A bar is equal to p I cap plus q j cap. Vector in xy plane. Whose projection along B bar is 1 and along C bar is 2. Projection of B bar and C bar. Okay, here it is 1 and 2. Now we find by using the projection formula. Okay, therefore first projection. Of it is a bar along b bar is, it is given 1. Therefore we get right here formula a bar dot b bar upon magnitude of b bar is equal to 1. It is the projection of a bar along b bar, and which is given, it is a 1. Now a bar, it is a bar, and b bar, it is a b bar vector. Both vectors are given. A bar it is p I cap plus q j cap 4 I cap plus 3 j cap upon under root of 4 square plus 3 square is equal to 1, and therefore it is 4 p plus 3 q. See carefully the dot product. Coefficient of y, coefficient of y, it is 4p plus 3q, and it is under root 25, that means 5, we take here, it is 5. It is equation number 1. Okay, it is a projection of a bar along b bar. Now,
प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग सी बार एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग सी बार इज टू. देयरफोर वी कैन राइट ए बार डॉट सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इज इक्वल टू टू. एंड देन वी कैन राइट ए बार इट इज पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप सी बार इट इज अ सी बार थ्री लैम्बडा आई कैप माइनस फोर लैम्बडा जे कैप होल टू द अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 लैम्बडा होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ओके सी केयरफुली देन 3 पी लैम्बडा प्लस इट इज माइनस 4 क्यू लैम्बडा एंड इट इज 9 लैम्बडा स्क्वायर 16 लैम्बडा स्क्वायर अंडर रूट 25 लैम्बडा स्क्वायर दैट इज 5 लैम्बडा एंड इट इज 10 लैम्बडा. And then lambda, lambda, lambda is a non-zero scalar, therefore it is a cancel. 3p minus 4q is equal to 10. It is equation number 2. Okay. Now, we solve the equation number 1 and 2. Okay. Here, multiply equation number 1 by 4 and multiply equation number 2 by 3. Therefore, equation number 1 ला 4 ने मल्टीप्लाई करणार. ओके इट इज 4 4 इनटू इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2 दिस गिव्स. ओके सी केयरफुली 4 ने मल्टीप्लाई केला आहे 16 इधर 3 ने मल्टीप्लाई केला आहे 9 16 प्लस 9 इट इज 25p हियर 4 ने मल्टीप्लाई केला 12 आणि इथे 3 ने मल्टीप्लाई केला माइनस 12 इट इज 12 आणि माइनस 12 गेट कॅन्सल. ओके हियर एंड हियर इक्वेशन नंबर 1 ला 4 ने मल्टीप्लाई करा म्हणजे हे 20 आणि इक्वेशन नंबर 2 ला 3 ने मल्टीप्लाई करा म्हणजे हे 30. ओके देन इट इज 20 प्लस 30 इट इज अ 50 एंड देयरफॉर पी इज इक्वल टू 2. इट इज द व्हॅल्यू ऑफ पी. पी इज इक्वल टू 2 देन बाय एनी वन इक्वेशन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ क्यू बाय इक्वेशन नंबर 1 4 इनटू 2 प्लस 3q is equal to 5 by equation number 1. P is equal to 2 and therefore we can write q is equal to, here see carefully, it is 8. 8 ikade gaya 5 minus 8 it is a minus 3. 3q is equal to minus 3 that means it is 1 and therefore our required vector A it is P I cap plus Q J cap. Therefore A bar is equal to 2 I cap and minus J cap is required vector. Okay, here see carefully, first two vectors are given B bar and C bar. Okay, are in the XY plane, therefore Z coordinate is 0. P it is a B bar it is a given, C bar we consider XI cap plus YJ cap. Then we get B bar and C bar are the perpendicular vectors, therefore we get the condition. Okay, B bar dot C bar is equal to 0, XY Y is equal to 3 by minus, it is minus 3 by 4. Okay, here it is a ratio. Then we take any non-zero scalar lambda, then x is equal to 3 lambda and y is equal to minus 4 lambda. It is value of x and y, therefore it is a vector c bar. C bar is xi cap plus yj cap. Now let a vector a bar in the same plane, that is z coordinate is 0, pi cap plus qj cap, and the projection of a bar along b bar it is 1 and projection of A bar along C bar it is a 2. From these two conditions we get the two equations and solving these two equations we get the value of P and Q, and P and Q means required vector. Okay, see carefully.